गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कुछ साथी जुड़ गए हैं और कुछ जुड़ना बाकी हैं अभी, तो सभी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ पाए क्लास में। ठीक है भाई, चलिए। ओके, शीतल, लवली, दर्शु, पापा की दबंग, सैमसंग, सीता, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। सब कुछ क्लियर है अगर ऑडियो वीडियो तो? ठीक है भाई, ओके। तो सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सब तो जुड़े ही हैं, साथ साथ ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, चूंकि सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी है। ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें आपको हिंदी डिटेल से पढ़ाया गया है। कोई टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा हो, पीजीटी की कर रहा हो, या सुपर टेट की कर रहा हो, हाँ सभी को हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, संपूर्ण हिंदी जिसको भी पढ़ना है, वो ऐप पर आकर के, ऐप को इंस्टॉल करके सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? चलिए भाई, ओके। तो अगर ऐप को इंस्टॉल करने आप जाते हैं तो कुछ ऐसा आइकॉन आपको मिलेगा, ये आइकॉन है, इसको आप देख लीजिए, ऐसा कुछ आइकॉन सेल्फ स्टडी क्लासेस का आपको मिलेगा। ठीक है भाई, हाँ यहाँ पर जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर के। बहुत सारे आपको इसमें फैसिलिटी दी गई है। जी मैम, डेली लगती थे टाइम, कैसी है आपकी तबीयत? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ रेखा, आप सब कैसे हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो फाइन हूँ। आप सभी, उम्मीद करते हूँ कि आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, अगर सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। ठीक है भाई, ओके। चलिए तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सभी फ्रेंड्स? मैम क्लास का टाइम क्या है? डेली प्रतिभा, क्लास का टाइम डेली 11 बजे रहता है दिन में, हिंदी आपका सीडीपी का। और अगर हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण रात्रि के 8 बजे रहता है। साहित्य की बात अगर करते हैं तो रात्रि के 9 बजे रहता है। चलिए, आपकी क्लास का इंतजार रहता है रोज। ओके, थैंक यू सभी को। अगर आप हमारी क्लास का इंतजार रहता है, तो वैसे आप सबका भी इंतजार हमें भी रहता है। डिसलाइक करने की आत्मा भटक रही है, भटकने दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जय भीम, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सभी फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और आंसर कीजिए। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? एक सेकंड, यहां पर व्हाइट इंक नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा, चलिए देखिए। तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? पहला है, बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप में तैयार होते हैं। हाँ दिखाई देगा सरोज आप सभी को। फिर दूसरा है, रेड कलर चेंज, हाँ रेड कलर चेंज कर दिया है हमने रश्मि, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। तीसरा है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या फिर बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। डी आंसर, कौन सा सही नहीं है? पहली बात तो ये देखिए, बच्चे के बारे में मैं साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन क्यों लेकर के आती हूँ, ताकि आपको कोई भी टीचिंग का एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपके, चाहे आप एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें साइकोलॉजिस्ट रेड कलर चेंज कर दो। मैम रेड कलर तो चेंज कर दिया हमने भाई, अब कोई प्रॉब्लम? रॉन्ग है, ए डी रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल डी रॉन्ग है। ठीक है चलिए, हाँ तो ये सोचने समझने की क्षमता जहां पर डेवलप की जाती है, वहां से पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भाई बच्चे कैसे सीख सकते हैं। तो जब बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, जब बच्चे तत्पर होते हैं, या आपने तत्परता का नियम पढ़ा भी होगा,
थोंडाइक का, कि जब तक बच्चे खुद स्वयं तैयार नहीं होते आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, चाहे आप कितना ही अच्छा मटेरियल, रेड दिखाई नहीं दे रहा, चाहे आप कितना भी अच्छा मटेरियल लेकर के जाए, है ना, जब तक बच्चे तत्पर नहीं होंगे तो नहीं अच्छा लगता। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल आपने गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में भी आपने पढ़ा है कि जो बच्चे होते हैं वो अनेकों प्रकार से सीखते हैं, अनेकों प्रकार की बुद्धि होती है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, केवल वर्ड नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, गुड मॉर्निंग सभी को भाई, समर सिंह, सीता कल हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, आप निश्चिंत रहो, आप सब आप मैनेज कीजिए, कल हम चेंज, वो तो मैंने कहा कि चलो आज कलर चेंज कर लेते हैं इसलिए मैंने कर लिया है, बट चिल कीजिए कल हम नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए ओके चलिए, ओके मैम थैंक यू सो मच। चलिए देखिए अब आपके तो आ भी चुके हैं, है ना, कलर भी चेंज कर दिया गया है, अब आंसर कीजिए भाई। देखिए हाँ हाँ बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, कौन शामिल है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, बच्चे जब करके सीखते हैं, जब बच्चा करके सीखता है तो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप सही मैम। चलिए भाई सभी लोग लाइक और शेयर कीजिए, हाँ बिल्कुल भाई रश्मि सही कह रही हैं, सभी लाइक और शेयर कर दीजिए क्लास को। ओके देखिए हाँ आप लोग के लिए आपने कहा था साइकोलॉजी का ग्रुप बना दीजिए मैम, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, लिंक आपको क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी लिंक, और तो आप सभी जुड़ जाइएगा, सिर्फ उसमें साइकोलॉजी के बच्चे ही जुड़ेंगे, ठीक है, जो और अदर के होंगे वो कोई भी नहीं जुड़ेगा, जिस सिर्फ जिस साइकोलॉजी पढ़ते हैं वही बस उस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं क्लास के बाद आपको कमेंट बॉक्स में नीचे दे दूंगी वो लिंक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा अध्यापक ने अनंत को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। एक अध्यापक क्या करते हैं, अनंत को देखते हैं कि अनंत क्या कर रहा है, कीबोर्ड पर, है ना, कीबोर्ड माउस तो सभी जानते वाकिफ होंगे, है ना, स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजा रहा है, तो देखा कि अध्यापक ने विचार किया कि अनंत में किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय की है कि वो संगीत को बजा रहा है। पहला शारीरिक गतिबोधक, तो ये तो आप सभी आपने उस दिन पायलट पढ़ा था, शारीरिक पायलट है, डांसर है ना, तो ये सभी हो जाएंगे जिसमें बॉडी मूवमेंट करती है। मैम दो फ्रेंड को कॉल की, किसी ने नहीं उठाई, कोई बात नहीं दीपक, कोई बात नहीं। दूसरा है संगीतमय, जिसमें सांगीतिक बुद्धि का, जैसे मान लीजिए अलका याग्नि जी हैं, तो वो कैसी किस प्रकार की उनकी बुद्धि ज्यादा है, सांगीतिक। भाषाई तो कवि मान लीजिए, लेखक मान लीजिए, वकील मान लीजिए, ये सभी लेखाकार, प्रत्याकार, ये सभी जिसमें भाषा संबंधित जो अच्छी अनुभूति जिनकी बनी हुई है वो लेखाकार हो जाएंगे। ये सीनिक नहीं होगा, स्थानिक बुद्धि होगा, जिसमें स्थानिक लेखाकार होते हैं, जैसे आपने कानून वो पटवारी जिनको स्थानों का दिशाओं का ज्ञान होता है, कहां पर कितने वर्ग फुट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग राजगढ़ की शेरनी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, और क्लास को शेयर करते रहिए ताकि और भी फ्रेंड्स आपके जुड़ पाए, ठीक है। चलिए आप सबने ग्रुप बनाने के लिए कहा, मैंने ग्रुप भी बना दिया है जिसमें सिर्फ आपके साइकोलॉजी के फ्रेंड्स रहेंगे, उसमें आप क्वेश्चन भी डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दूंगी लिंक, तो जुड़ जाइएगा सभी फ्रेंड क्लास के बाद में। जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक किस प्रकार के हैं। शिक्षक क्या समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो होते हैं गणित में
लड़कियों से अच्छे होते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये ऑप्शन डी लिंग बाइस हो जाएगा, पक्षपात दर्शा, जब तुलना कर दी जाए, चाहे विद्यालय की कर दी जाए, चाहे बच्चे की कर दी जाए, बेशक गलत होगा किसी को तुलना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी सब्जेक्ट में अलग कमांड बनाता है और हर एक चीज का अपना अलग नजरिया होता है देखने का। तो आप बेशक ये नहीं तुलना नहीं कर सकते हो, ऑप्शन ए लिंक बाइस आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल कौन सा ऑप्शन नहीं है। हाँ तबीयत खराब तो नहीं है बट ठीक भी नहीं है, बट चल रहे हैं, है ना। देखिए, मूल्य और विश्वासों का अर्जन, अनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, आंसर कीजिए भाई क्या होगा। कम से कम 50 प्लस तो जाइए आप सभी, 30 प्लस आप सभी हैं, 20 और फ्रेंड्स को जोड़िए। मैम 8 बजे हिंदी, हाँ डेली 8 बजे हिंदी होती है, ठीक है, हिंदी व्याकरण रहती है। तो देखिए सोशलाइजेशन, जहां पर चार बच्चा होगा, यहां पर मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए दीपक है, दीपक जी हैं, रश्मि है, ठीक है, आप प्रतिभा है, शमशंग है, और सुखलेश है, मुकेश है, ये सारे लोग एक साथ जब बैठेंगे तो यहाँ पर समाजीकरण का विकास हो रहा है, क्योंकि एक लोगों से ही समाज बनता है, लोगों से ही समाज बनता है, इतने सारे जब फ्रेंड्स एक साथ जुड़ेंगे तो एक समाज की संगठन होगा। तो यहाँ पर बेसिक प्रक्रिया, मूल्य भी सीखेंगे, कोई नैतिक मूल्य सीखेगा, मोरलिटी सीखेगा कि कहाँ पर क्या बात करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये भी सही बात है। संस्कृत रीतियां, रीति रिवाज को सुनेगा ही, समझेगा ही, अर्जन तो होगा ही, क्योंकि अर्जन जो होता है वो समाज के द्वारा होता है, अधिगम जो होता है, जो अधिगम होता है वो किसी संस्थान, इंस्टीट्यूट, जैसे मान लीजिए कोचिंग सेंटर हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, वहां आपका अधिगम होता है, जो चीज सिखाया जाता है वो अधिगम होता है, और जो आपका अर्जन होता है वो समाज के द्वारा होता है, घर से होता है, है ना। अर्जन का मतलब है इक्वार लर्निंग, यानी अधिगम, अधिगम आप किसी संस्थान से करते हैं, ठीक है। अनुवांशिक संचरण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका शामिल नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, अधिगम असक्ता वाले बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली क्या यहां पर पाया जाएगा बताइए। नमस्ते, बिल्कुल ममता सभी को, चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, फोन करके आपको बुलाते हैं। देखिए बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, अधिगम आसक्ता वाले बच्चों को। दूसरा है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, या बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। ज्यादातर आंसर ए आ रहा है मैम, मैं अपने दोनों फ्रेंड को आया, सब दो बुलाए तो बहुत हो जाएगा, हाँ सभी फ्रेंड भाई दो दो को लेकर के आएंगे। देखिए लर्निंग जो डिसेबिलिटी होती है तो ये जरूरी नहीं कि किसी मंद बुद्धि वाले बच्चे के साथ ही हो, है ना, किसी कम आईक्यू वाले बच्चे के साथ ही हो। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है जैसे मान ले ये आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया जो हो गया ये पढ़ने से संबंधित, जैसे मान लीजिए कभी कभी बच्चा सड़क को सड़क, तो ये डिसेबिलिटी का मतलब नहीं है। ये जो डिसेबिलिटी होती है ये अच्छे अच्छे बच्चों को हो जाती है, आपको हमको भी हो जाती है कभी कभी, जो भाषा बोले तो आपकी जीव, कहते हैं ना कि भाई जीव है पता नहीं क्या कुछ बोल गए, है ना। तो मतलब जो बेसिक शब्द होता है उसको ना बोलकर कोई और ही शब्द, सड़क को सड़क कभी कभी बोल देते हैं। तो ये जो आपका मतलब कि कहना चाहिए कि अपनी अपनी जो आपकी लैंग्वेज है, आसपास की जो लैंग्वेज है उसके कारण जो आपकी भाषाएं होती हैं वो आपको इस तरह बोलने पर मजबूर कर देती है, है ना, ठीक है। तो ये आपके अच्छे अच्छों के साथ भी होता है, हमारे साथ आपके साथ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि इनका मानसिक विकास मंद होता है, इनका बुद्धि लब्धि कम होता है, क्योंकि डिसलेक्सिया मैथमेटिक्स, जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका आईक्यू पावर कम नहीं होता है, उनको क्या होता है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ये बड़े अच्छे अच्छों को, प्रतिभाशाली लोगों को भी हो जाता है, है ना। कभी कभी होता है ना पढ़ने में जो शब्द होता है वो हम दूसरा पढ़ जाते हैं, है ना। चलिए बिल्कुल सही बात है,
तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आप चीजों को समझ पाइए। रटने रटाने के क्वेश्चन तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म में पा जाते होंगे, है ना। तो मैं नया क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप चीजों को और भी ब्रॉड तरीके से समझ पाइए, है ना। चलिए, अपना फंडा लाइफ टाइम का रहता है, ये नहीं है कि आज यहां से हम निकल गए तो फिर बच्चे बाद में हमको गाली देते रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं, हम तो ऐसे क्वेश्चन ला करके आपको देंगे जो आपके लाइफ के लिए काम करे, है ना, आपको जीवन जीने का तरीका भी बताए और आपको एग्जाम को पार कराने का भी तरीका बताए। बताइए क्रिएटिविटी क्या है, बुद्धि का एक प्रकार, साइकोलॉजी है ही क्या, साइकोलॉजी एक मन की भाषा है ना, व्यवहार की भाषा है, ठीक है, आत्मा की भाषा है। आपकी आत्मा क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, आपका व्यवहार क्या कहता है, साइकोलॉजी ये कहती है। हाँ, तो देखिए बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करते हैं। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तीसरा है समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। चौथा सृजनात्मकता 200 से ऊपर बुद्धिलब्धि बेहतर ढंग से परिभाषित होता है। देखिए बताइए, एक आपने चलिए भाई 30 प्लस आप सभी हैं, कम से कम 50 तो जाइए, कम से कम 50 प्लस तो सभी फ्रेंड जाइए, इतना तो शेयर कीजिए, इतना तो बनता है, इतनी मेहनत तो करती हूँ यार कि कम से कम 50 क्लास में होने चाहिए। ममता, प्रतिभा, रश्मि, हाँ सभी फ्रेंड्स शेयर कीजिए भाई, सुखलेश, सभी फ्रेंड्स मिलकर के शेयर कीजिए, कोई अकेला थक जाएगा, है ना, मिलकर हाथ बढ़ाइए तो बिल्कुल बहुत अच्छा, अपना एक बैकअप रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग साइकोलॉजी में 30 में कम से कम, आप बहुत ही कम पाओ तो आप 27-28 नंबर पाओ। मैं इतनी आपको CDP की प्रैक्टिस करा दूंगी, इतना कॉन्सेप्ट दूंगी कि आपको 30 में आपको 27-28 दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बताइए क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी आपने एक अपसारी चिंतन पढ़ा होगा, एक आपने अभिसारी चिंतन पढ़ा होगा, एक आपने आलोचनात्मक चिंतन पढ़ा होगा, है ना। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अभिसारी जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग है। अपसारी चिंतन क्या कहता है, अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो क्या बता रहा है, आपको बता रहा है 2+2 4, है ना, तो ये बता रहा है। कोई क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, मान लीजिए आपको यहाँ पर कि XYZ ऐसी कौन सी संख्या है कि जोड़ने पर 10 आता है, है ना, तो आप 8+2 भी जोड़ोगे तो भी 10 आएगा, है ना। अब 2+2 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा, ये फिक्स बात है, पर 8+2 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 5+5 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 6+4 जोड़ोगे तो भी 10 आएगा। तो ये आपके किस एग्जाम्पल के तहत आएगा, ये आपका अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग तहत आएगा। 2+2 यानी 4 जब होता है तो ये आपका अभिसारी होगा। अब आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब ये होता है कि आप जब कोई डिसीजन लेते हैं, आपके पेरेंट्स अगर लेते हैं, या फिर मान लीजिए XYZ कोई देश का ऐसा नेता जो पूरे देश के लिए वो रूल लागू होने वाला हो, तो वो तो पूरे देश के फायदे के लिए, नुकसान के लिए, आने वाले भविष्य के लिए देख करके उस निर्णय को सुनाएगा। तो ये हमारा आलोचनात्मक चिंतन, ऐसा चिंतन जो लाभ और हानि दोनों को दिखा करके वो रूल दिखाया जाए, वो आपका आलोचनात्मक कहलाता है, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका अपसारी चिंतन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं, आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। अच्छा ममता, बिल्कुल दर्शन नहीं हुए हैं, उदाहरण संपूर्ण लॉकडाउन, हाँ बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया है दीपक। अच्छा चलिए, जिनको ये लग रहा था भाई आज दर्शन नहीं हुए हैं, तो हमें भी आपके दर्शन हो जाएंगे और आपको हमारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल, ठीक है। हाँ यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताए टीचर, रियल लाइफ से। मान लीजिए कोई चैप्टर ऐसा पढ़ाने वाले हैं जिसमें क्या बता रहा है, चैप्टर ऐसा है, मान लीजिए पोषण, चैप्टर का नाम क्या है, पोषण।
अब पोषण जब टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि यहाँ से दाल खाने से प्रोटीन मिलता है ना, अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है, ये सारी चीजें अगर बच्ची घर में गई और यही चीज दाल बना रही है, चावल बना रही है, अंडे के मसाले वाला सब कुछ बना रही है, तो वो जाएगी तो उस चीज को रिलेट कर पाएगी, हाँ दाल खाने से सर ने ऐसा बताया था, अंडे खाने से ये बताया था, सारी चीजों को वो समझने लगेगी बेसिकली, है ना। तो ये सारी चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, बताइए। बताइए। ओके, बहुत सारे साथियों का आंसर यहाँ पर 9 का अमूर्त बी आ रहा है लगातार। हाँ देखिए, जिन पियाजे जी ने थ्योरी जो दी है, पियाजे ने चार प्रकार की विशेषताएं उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। तो पहला तो हमारा संवेदी गतिक होता है, इसमें इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, जैसा अगर रोएगा है ना, रोएगा हंसेगा, जब उसको खुशी होगी तो हंसेगा, भूख लगेगी तो रोएगा। पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक में सारी चीजें जो मुहूर्त में होने वाली है उसी चीज का पहले यहाँ पर संरक्षण की कमी हो जाएगा, एनिमिज्म हो जाएगा, यानी जीव बाद हर चीज में जीव समझेगा, गुड्डी गुड़ियों को भी समझेगा कि ये हमारे दोस्त हैं, ठीक है। हाँ फिर क्या हो जाएगा, मुहूर्त में सारी तार्किक अवस्थाओं का प्रारंभ हो जाता है। और औपचारिक को क्या कहते हैं, अमूर्त भी कहते हैं, और अमूर्त को अनौपचारिक भी कहते हैं, है ना। चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कम से कम 50 तो जाइए आप सभी फ्रेंड्स। हाँ एनिमीज, सजीववाद, जीववाद उसको कहते हैं, जैसे गुड्डे गुड़ियों को खेलते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इनमें भी जान है, ठीक है। बताइए मैम, नेट के लिए भी यहीं से डीपली आएगा, हाँ यहीं से आएगा, क्योंकि जो भी साइकोलॉजी सोचने संबंधित जो भी भाषाएं हैं, जो भी वो सारा मैं इसमें इंक्लूड करा करके बता रही हूँ, ठीक है। हाँ यार सभी, सीता बिल्कुल सही कह रही हैं, सभी लोग एक बार मिल करके शेयर कर दीजिए। मैम गाने कौन गा रहा है, गाने तो मैं ही गा रही हूँ, अब क्या करूँ, और ऑप्शन भी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहता और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, ठीक है। रश्मि जी अपना नाम बताओ। ओके सभी फ्रेंड्स मिल करके शेयर कीजिए भाई, रसिता ठीक कह रही है, कम से कम 50 प्लस तो जाइए, 40 तो आप सभी जा चुके हैं, 40 एक बार फिर से शेयर कीजिए भाई, जो मित्र हमारे नहीं किए वो धोखा नहीं करें, डीफर धोखा नहीं करना है किसी को, ठीक है, क्योंकि मैम अगर डीफर धोखा की ना तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए भाई तो देखिए, हाँ डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक अधिक बल दिया जाता है, बेशक सही बात है, धोखा ना दें किसी को भाई कोई भी, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए आंसर कीजिए, बुद्धि के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पहला है बुद्धि को केवल वर्ड दिया गया है, मतलब एक तरफ ले जा रहा है आपको, केवल राम की पास ले जा, राम के पास, केवल श्याम के पास, तो केवल वर्ड चूंकि एक ही लोगों के पास फिक्स कर देगा, इसलिए ये बिल्कुल गलत है, चाहे कितना भी अच्छा इसमें दिया होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बुद्धि जो है विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है,
बाकी जगह कहाँ, अगर घर में योग्यता दिखाना होगा तो घर में नहीं करेंगे क्या, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ विद्यालय बस कह रखा है और किसी संस्थान का नाम नहीं बताया है, ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि मूलभूत रूप से, मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी, मूलभूत सिर्फ स्नायु तंत्र में ही काम नहीं करता है, बल्कि बुद्धि एक बहुआयामी है, बहुत सारे आयामों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें बहुत सारे कई पहलू मिलकर के निहित हैं। इस जहां पर ऑप्शन बहुत सारा बता रहा हो तो बेशक वही डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। भाई अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग जेंडर पक्षपात डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। हाँ, प्रतिभा, रेखा, सरोज, लवली, सैमसंग, सीता, भाई वेल डन यार, एक बार शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स, कम से कम 50 जाइए आज, है ना, 50 तो जाइए, 40 प्लस तो आप सभी हैं आज लाइव, 50 प्लस तो कीजिए आप सभी, कोई बात नहीं, तीन गलत हो गए। तो देखिए जो जेंडर वाइज होता है पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है, अनुवांशिक की ओर, एस्ट्रो अनुवांशिक विभिन्नता जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद होता है, आपको जेंडर की बात जब भी आए ना, लिंग की बात हमेशा ऑप्शन ध्यान रखना है, ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जिन जिन पे क्या होता है डिफरेंस बताया जा रहा हो, जहां पर लड़के और लड़कियों को अलग अलग महत्व दिया जा रहा हो, वहां पर वो ऑप्शन आपको चुनना है। वेल डन, 42 आप सभी हैं, 50 की लाइन में आप सभी जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद होती है, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, नहीं सापेक्षिक यानी समान रूप से नहीं दिखाने, तो फिर काहे का लिंग जेंडर, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति ये होगा, या फिर सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना। हाँ, भिन्न व्यवहार करना मतलब अलग अलग व्यवहार करना, सब एक जैसे लग रहे नहीं, सरोज सब एक जैसे नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए, एक जैसा ऑप्शन नहीं है, और ये साइकोलॉजी है, यहाँ पर आपको एक जैसा ही दिखेगा, है ना, इसमें तो अपनी सोच को आपको बिठाना है। मैं आपको कीवर्ड क्या बताई हूँ, आपको कीवर्ड बताई हूँ जहां पर आपको क्या बताएगा, अलग व्यवहार, भिन्न व्यवहार बताएगा, लड़के के लिए अलग हो, लड़कियों के लिए अलग हो। तो देखिए ऐसा ऑप्शन क्या आपके चार में से कोई है, अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, भिन्न व्यवहार की बात ये नहीं कर रहा ऑप्शन, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक, सापेक्षिक यानी समान रूप से व्यवहार, ये तो समान हो रहा है, तो लिंग पक्षपात यहाँ पर नहीं हो रहा है। तीसरा है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, बीच हो रहा है ना, अलग अलग नहीं हो रहा, बीचों बीच हो रहा है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर इतनी डिफरेंस नहीं है। चौथे में क्या कर रहा है, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार, है ना, यहाँ पर अलग अलग व्यवहार दिखाया जा रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर होगा। अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन उसको क्लिक करना जिसमें अलग व्यवहार दिखाया जा रहा हो, भिन्न व्यवहार दिखाया जा रहा हो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन में ही तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कोई बात नहीं रेनू, इसीलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, मतलब कि कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि आप रटो नहीं, समझो आप चीजों को। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है, या फिर फ्रॉयड ने कहा है, बताइए। क्रो एंड क्रो ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है, कि किशोर ही क्या करते हैं, वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। डेफिनेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्रो एंड क्रो का क्या कहना है, कि जो कुछ किशोर होता है वो किशोर ही क्या करता है, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब है कि आज ही वो व्यक्ति दिखा देगा अपने चाल ढाल कि आने वाले समय में उसके क्या काम हो सकते हैं। हाँ, स्टैनले हॉल ने तो आप सभी को मालूम ही है, आंधी और तूफान की अवस्था इन्होंने कहा है। फ्रॉयड ने क्या कहा है, फ्रॉयड ने डेफिनेशन किशोरावस्था की बल्कि नहीं दी है इन्होंने यहाँ पर, बल्कि आपका शैशवावस्था संबंधित शायद इन्होंने डेफिनेशन दी है, है ना, बिल्कुल बिल्कुल शैशवावस्था संबंधित इन्होंने दी है, कि जो मनुष्य जो कुछ भी करता है
अच्छा बुरा, वह चार पांच वर्षों में जो कुछ भी बनना है, लाइफ में जो कुछ भी बनना है वो चार पांच वर्षों में ही अपना रंगत दिखा देते हैं। ये आपके फ्रॉयड ने कहा था, है ना। अब किलपैट्रिक ने यह डेफिनेशन दी है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है। हाँ, किलपैट्रिक ने ये कहा है, ये डेफिनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेलडन सीता, आपको डेफिनेशन काफी अच्छे से याद है। ये स्टैनले हॉल ने कहा है दीपक, ये डेफिनेशन जो आप बता रहे हो ये स्टैनले हॉल ने बताया है, ठीक है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीबी के अनुसार सही है, बताइए, आंसर कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताइए भाई कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा अगर बात हो रही हो, प्रगतिशील शिक्षा की बात अगर हो रही हो या फिर निर्मितवाद की बात हो रही हो, यानी इसी को निर्माणवाद कहते हैं, इसी को संरचनावाद कहते हैं, है ना, इसी को संज्ञानवाद भी कह सकते हो, ये सारे वर्ड जब कहीं भी आए तो आप हमेशा उन ऑप्शन को टिक करना जहां पर बच्चे को स्पेशल दिया जा रहा हो माहौल पढ़ने का, जीवन जीने का, आजादी दी जा रही हो, वहां पर आपको ऑप्शन को टिक करना है, चाहे प्रगतिशील की बात हो, चाहे निर्मितवाद की हो, चाहे निर्माणवाद की हो, चाहे संरचनावाद की हो, चाहे संज्ञानवाद की हो, ये हमेशा बात करते हैं खुले आजादीपन की बच्चे को देने की बात करते हैं। तो देखिए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई सीन नहीं, कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्या ये होगा, गलत, ये इन्होंने नहीं कहा है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आजादी की बात करते हैं कि बच्चे को खुला छोड़िए। देखिए दूसरा क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, बाकी अब आप लोग खुद ही पकड़ लेंगे आंसर को। सीता जी मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई, कोई बात नहीं सरोज, चलिए मैम आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक है ममता। देखिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, नहीं अभी तो इसका आकर्षण या संवर्धन करना चाहिए, नहीं ऐसा भी विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, ये तो जिज्ञासा हर एक बच्चे में होती, छोटा बच्चा भी जानने की, आप सभी ने अगर कभी जीवन में ऐसा हुआ होगा, बच्चे इतना सवाल करते हैं कि आप उनके पास दो मिनट बैठना असंभव हो जाता है कि मम्मा कैसे हुआ है, बुआ ये कैसे हुआ, ताई ये कैसे हुआ, है ना, क्यों हुआ, बहुत सवाल बच्चे करते हैं, तो उनके मन में आखिर जिज्ञासा होती है तभी वो सवाल करते हैं, तो ये तो गलत ऑप्शन है। दूसरा है स्वयं ही कक्षा में प्रजातांत्रिक कोई स्थान नहीं, गलत है। चौथा है, कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए, सिर्फ निरीक्षण करोगे कि बच्चा कहीं हंस तो नहीं रहा, कहीं बोल तो नहीं रहा, तो ये भी गलत होगा। हाँ, स्वयं भी सामाजिक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर आजादी की बात हो रही, बच्चे की बांध कर नहीं रखा गया है बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, क्लास कैसी लग रही है, सभी लोग अपना फीडबैक दे करके जरूर जाया करिएगा, ठीक है, और लाइव जितने लाइव हैं उतने फ्रेंड्स लाइक भी कर दिया करिए यार, इतनी बोरिंग क्लास भी तो नहीं होती है मेरे समझते, फिर बाकी आप लोग तो समझदार हैं सभी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है कि बुद्धि बहुत सारे आयामों से मिलकर के बनी हुई है, तो इसको वैध यानी सही नहीं माना जा सकता, क्या क्या कारण बताइए, क्यों नहीं माना जा सकता। पहला है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर विशिष्ट परीक्षण, जो आपका परीक्षण आपके द्वारा करवाया जाता है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। ओके, हमने तो आपका आंसर पढ़ लिया ममता। देखिए फिर क्या कह रहा है, कि यह सभी सात बुद्धियों को समान महत्व तो नहीं देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सात की बात तो करता ही, आठ प्रकार की उन्होंने बुद्धि की बात की, तो ये तो गलत है, ठीक है, सात प्रकार के, बल्कि थर्स्टन ने दिया है ना, पीएमए प्राइमरी मेंटल एज की बात उन्होंने की है, ठीक है। फिर क्या है, ये केवल वर्ड तो यूज ही नहीं करा, ये गलत हुआ, सात बुद्धियों की बात गार्डनर नहीं करते, आठ प्रकार की बुद्धि बताए उन्होंने, दो गलत हुए,
बी गलत हुआ, सी गलत हुआ, डी क्या करें, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी फैक्टर के अनुकूल सुसंगत नहीं है, सामान्य कारक नहीं है, सी गलत। क्वेश्चन ये का ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन बहुत सारे साथियों का डी आ रहा है, डी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कारण बता देती हूँ क्यों होगा, डी लगातार आ रहा है, कोई सोचा भी नहीं था कि इसका ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए इसका जो आप राइट ऑप्शन ए होगा, रीजन क्या है, अब नेक्स्ट टाइम गलत मत करना, ठीक है। रीजन क्या है, क्यों ए होगा, पहले ये ध्यान दीजिएगा। रीजन ये है कि कहने का मतलब है कि क्या बताइए, आप लोग खुद एक व्यक्ति शिक्षक होने के नाते एक पहले एक इंसान है, आप आपके लिए कोई ऐसी मशीन बनाई गई है कि यहाँ पर ये बता सके कि आपके अंदर इतना IQ है, आपको बता सकता है, ऐसी कोई मशीन बना दी गई है साइंटिस्ट के द्वारा, बताइए। ईश्वर को छोड़ो, ईश्वर को छोड़ने के अलावा अगर कोई ऐसी मशीन हो, ऐसे कोई मापक यंत्र हो, तो कोई ऐसा यंत्र संभव है जो बता सके कि नहीं बिल्कुल आपके अंदर इतनी ही बुद्धि पाई जाती है, गलत बात है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, है ना, वो तो अपन एवरेज में बता देते हैं कि इतना IQ हो सकता है, एवरेज में बताते हैं, है ना, कंफर्म नहीं बताते, जो मापन होता भी है ना वो एवरेज में बताया जाता है कि एवरेज इसका इतना IQ है, बाकी फिक्स नहीं बता सकते। फिक्स ऐसी कोई मशीन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको आपका फिक्स IQ लेवल बता सके कि आपके अंदर इतनी, नहीं तो फिर आप दुनिया क्यों परेशान हो, है ना, सब कुछ तो फिर मशीनें ही सही कर दे। ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 में से 3 गलत हो चुके हैं, संभव नहीं है, क्या मतलब, संभव नहीं का मतलब ये है कि मापन संभव नहीं है, मतलब कि जो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत वैध इसलिए नहीं माना गया है, क्योंकि एक बात मानिए, जैसे मान लीजिए कि एक बुद्धि का एक सिद्धांत बिने ने दिया, साइमन बिने ने दिया, अब बिने की थ्योरी को ही स्पीयरमैन ने कहा, क्या कह दिया कि बुद्धि, जैसे बिने ने क्या कहा है कि बुद्धि एक प्रकार की होती है, बुद्धि एक प्रकार की होती है, बिने आपके बिने साइमन जी ने बुद्धि एक कारक सिद्धांत उन्होंने दिया है, एक कारक, उनका कहना कि बुद्धि एक प्रकार की होती है। जस्ट इनके बाद द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन दे दिए, उनका इनका कहना स्पीयरमैन का कि बुद्धि दो प्रकार की होती, इनके बुद्धि लब्धि को नकार दिया गया, इनके सिद्धांतों को नकार दिया गया कि भाई एक कैसे हो सकती है बुद्धि, संभव नहीं है, इसलिए इन्होंने दो प्रकार के बताए। अब इनको भी नकार करके थॉर्नडाइक ने दे दिया बहुकारक दे दिया, फिर बहुकारक को भी नकार करके गार्डनर जी ने बहुबुद्धि सिद्धांत दे दिया, इस प्रकार से इसलिए संभव नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था क्यों, कोई बात नहीं, आज अगर आपके गलत हुए हैं ना, आने वाले समय में वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे तो आपके सही होंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा उदास नहीं होगा, कोई भी बच्चा उदास नहीं होगा कि हमारे सही नहीं हुए हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा तो नहीं कि अब आपके सब सही हो तो मैं एकदम इजी सा क्वेश्चन लेकर के आऊं, फिर तो मैं आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ करूंगी। तो चलिए, बच्चे के लिए क्या सही होता क्या नहीं सही होता है, पेरेंट्स वही देते हैं जो उसके लिए सही होता है, चाहे भले ही वो बच्चा उसके लिए जिद करे कि नहीं हमें यही चाहिए। तो आपके लिए भविष्य के लिए जैसा जिस प्रकार का मटेरियल चाहिए मैं तो उसी प्रकार का लेकर आऊंगी, आपके भले ही गलत हो हम आपको सब समझा देंगे तो अगली बार आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, लाइफ है स्ट्रगल करने का, सीखने का, और जो सीखता है उसी से त्रुटि होती है। चलिए, जो सीखेगा ही नहीं उसकी त्रुटि कहां से हो सकती है, ये भी तो सोचो, प्रथमा त्रुटि का सिद्धांत आपने थॉर्नडाइक जो पढ़ा होगा। तो देखिए, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, उसका रीजन क्या था, ज्यादातर आंसर साथियों का बी आ रहा है। सभी राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति को विकेंद्रीकरण मिले, केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण मिले, एक दिशा मिल सके, ऐसी बात नहीं, गलत, पहला ऑप्शन गलत है। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निश्चित फिक्स कर दिया जाए, यहां पर विकास को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया है, मतलब कि फिक्स कर दिया गया है। भाई बच्चे को फिक्स नहीं करना है, बच्चे को ब्रॉड लेवल में ले जाना है, बच्चे को मल्टीपल तरीके से, बच्चा ऐसा रहे कि यहां भी घूम सके, यहां भी घूम सके, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चारों तरफ, ठीक है, फिक्स नहीं करना है बच्चे को, बाकी तो सही था यहां तक, लेकिन बच्चे को यहां पर फिक्स कर दिया गया, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान
अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में, यहाँ पर विद्यालय एक विद्यालय की दूसरे विद्यालय की तुलना कराई जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब बचा हमारा सी ऑप्शन, यहाँ पर विद्यालय की उन्नति देखी जा रही है, बेहतर व्याख्या देखी जा रही है, उनके सभी एक्टिविटी देखी जा रही है, अभिलेख देखा जा रहा है और यहाँ पर अध्यापक भी मोटिवेट हो रहा है, विद्यार्थी की उन्नति भी देखी जा रही है और अध्यापक को मोटिवेट भी किया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सफिशियंट ऑप्शन नंबर डी सी होगा। चलिए कोई डाउट अगर रह जाए मेरे मित्रों को तो बेशक बताइएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आप अपना डाउट बताएंगे तो हम आपको ना बताएंगे, हम तो चाहते हैं कि एक बार आप जो चीज पढ़े इस सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म से आने वाले। श्रेणी जी आपको किताबी नेम क्या है? चलो ममता क्लास की ओर ध्यान देना, क्लास के अंत में पूछ लिया करो, ठीक है मेरा? ठीक है केवल, चलिए बिल्कुल अच्छी बात। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? यहां पर विमोह नहीं होगा, गिरोह होगा, बताइए। और साइकोलॉजी के जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो क्लास के नीचे में कमेंट बॉक्स में अभी लिंक दे दूंगी, तो यहां पर सभी फ्रेंड जुड़ जाएंगे, सिर्फ उसमें साइकोलॉजी के बच्चे ही जुड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, उस ग्रुप में सिर्फ साइकोलॉजी के बच्चे ही आप लोग ऐड होना, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद दे दूंगी तुरंत, ठीक है? चलिए बताइए, बी ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं। सत्रह का सी आ रहा है, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, प्रमस्तिष्क घात, जब कोई मस्तिष्क में घात हो जाती है ना, चोट लग जाती है तो भी व्यक्ति क्या आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसके माइंड उतना काम नहीं, कुछ लोग तो नकल करते हैं मैम, कोई बात नहीं सरोज, देखिए प्रमस्तिष्क घात, जब कोई मस्तिष्क में चोट लगती है तो बेशक कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है, इसलिए ये नहीं होगा। पर अभिघातक तनाव, जब कोई घात आ जाती है तब भी तनाव अगर व्यक्ति को है तो तनाव में भी व्यक्ति कोई ना कोई विकार आते हैं, ये भी गलत है। न्यून अवधान सक्रिय विकार एडीएफसी, आपने नाम सुना होगा एडीएससी, वो है ना, हाँ डिसीज है ये भी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये सभी होते हैं, ये बाकी आत्मगिरोह कोई आपका ऐसा नहीं है। मैम ग्रुप में नोट्स भी भेज दिया करिएगा, हाँ बिल्कुल भेज दिया करेंगे, नोट्स भी भेज दिया करेंगे। ए ऑप्शन होगा भाई। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। नकल चकल नहीं आती, सही बात है। अरे बिंदास सीखो यार, सीखने का समय है, नकल करने की तो बात ही नहीं है, मैं तो रटाती बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए समझाती हूँ, चाहे भले ही एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दो मिनट टाइम भले लग जाए, लेकिन मैं समझाती हूँ ताकि आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहो, कभी भी कहीं भी रहो, तो आप चीजों को इतना चार, दो से चार लाइन आप समझा पाओ, है ना, कोई बात नहीं। बच्चा में बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या होता है, बताइए। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, या अध्ययन को गंभीरता पूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय, या इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। बच्चे ज्यादातर निस्सहायता मतलब कि अपने आप को असहाय क्यों समझने लगते हैं, मैम आज क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हाँ थोड़ी साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन ज्यादा थे आज, है ना, इसलिए गलत हो रहे हैं, बाकी जीन पियाजे बायगोसी तो आप सबने रट ही रखा है, उससे अगर क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपके बेशक सही ही होते हैं, तो थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन किया करिए। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, सही आंसर सभी ने पकड़ा है, ये हुई ना बात। चलिए सेल्फ स्टडी के जैसे बिल्कुल बच्चे अब हैं, लग रहे हैं आप सभी सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी आप सभी कर रहे हो, डी लगातार आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हाँ, इस व्यवहार को अर्जित कर लेते हैं कि भाई हम सफल ही नहीं हो सकते, वो मन में बिठा लेते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, अब हमसे नहीं होगा। मैम ने जो ग्रुप बनाया है, क्लासेस के अंत में लिंक मिलेगा, जुड़ जाना सरोज, हाँ हाँ कमेंट बॉक्स में नीचे हम दे देंगे आपको लिंक, जुड़ जाना सभी फ्रेंड्स, और सिर्फ साइकोलॉजी वाले ही जुड़ना, और बाकी लोगों को वो जो साइकोलॉजी क्लास लेते होंगे उन्हीं को, वहां पर हम कभी कभी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? देखिए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो चैनल पर नए होंगे, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल सके, ठीक है?
चलिए, और हिंदी की क्लास, कोई साहित्य की क्लास, कोई भी व्याकरण की क्लास मिस नहीं करेगा, कोई नकल मत करो प्लीज। चलो भाई, नकल नहीं, अकल से काम करो। देखिए, निम्न में से नकल की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में, कम से कम आप 15 से 20 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, यकीनन आपको नकल करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आने वाले समय का, अपना देख लीजिएगा। क्योंकि मैं भले ही समय ले लेती हूँ, लेकिन आपको समझा करके ही मानती हूँ। देखिए, समाजीकरण को निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? स्वास्थ्य क्लब है, परिवार है, इको क्लब है, सार्वजनिक पुस्तकालय। आप गांवों में भी स्वास्थ्य विभाग आपने देखा होगा, स्वास्थ्य क्लब नहीं होगा, निष्क्रिय एजेंसी पूछ रखा है। जिनका ए आ रहा है ना, वो गलत है। निष्क्रिय उतनी एक्टिव नहीं है, है तो वो भी एजेंसी ही, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं है। प्रतिभा जिसको लग रहा है तो सबसे पहले दे दी एजेंसी। देखिए भाई, परिवार तो है यार, सक्रिय है, परिवार तो सक्रिय है, एक अपने आप में समाज, समाजीकरण की पूछ रखा है। सामाजिक, जहां पर चार लोग समाज, तो परिवार तो हमारा पहला समाज ही होता है, परिवार तो समाज से शुरुआत ही होती है, तो ये कैसे हो सकता है? गलत कर दिया आप सभी ने, तो परिवार नहीं होगा। इको क्लब एक एनवायरमेंट का संस्थान है, ये भी नहीं होगा, ये सही होगा, एक्टिव है, ये अभी भी एक्टिव है। परिवार तो पहला समाज ही होता है, वही समाज की शुरुआत होती है, ये आपका इको क्लब। स्वास्थ्य विभाग जैसे गांवों में हो, शहरों में है, मैम हमने निष्क्रिय नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में गलत कर दिया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम अब मत करना। सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा, है ना, जो लाइब्रेरी होती है सार्वजनिक। हाँ, परिवार अनौपचारिक संस्था है मैम। हाँ बिल्कुल है, संस्था को ही तो समाज कहते हैं, संस्था को ही समाज कहते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिए। अब आपको लास्ट में बायकोस्की जी मिल गए हैं, अब इसका कोई गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए, बायकोस्की के सिद्धांत में, बायकोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? या याद लिख लीजिए, यहां पर पहलू की बात नहीं होती, हाँ बात नहीं होती है, बताइए। सामाजिक की बात नहीं होती है, सांस्कृतिक की, जैविक की, भाषाई की। सामाजिक की बात तो इनको कहते हैं सामाजिक, इनका तो पासवर्ड ही है, पासवर्ड है इनका, नोट कर लीजिए, कहीं पर सामाजिक वर्ड आता है बायकोस्की जी बिल्कुल होंगे वहां पर। मैं जल्दी इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरा गलत हो जाता है। दूसरा है सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत ही इन्होंने दिया है, सोशल कल्चर थ्योरी, ठीक है, तो ये तो इन्होंने थ्योरी ही दिया है, तो ये तो बिल्कुल दोनों होंगे। भाषाई, एक आपने इनकी पुस्तक पढ़ी होगी, एक क्वेश्चन बनता है, फेमस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये बनता है कि बायकोस्की के अनुसार पहले भाषा होती है या पहले विचार होते हैं, तो बायकोस्की जी पहले भाषा की, पहले भाषा होती है फिर विचार आते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो पियाजे कहते हैं, चूंकि पियाजे सोच भी थॉट की बात ज्यादा करते हैं, तो पियाजे का कहना रहता है कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, फिर विचार आते हैं फिर भाषा आती है। बायकोस्की के अनुसार पहले भाषा होती है और पियाजे के अनुसार पहले विचार होते हैं, दोनों को नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैविक जो होता है ये जन्मजात, जन्मजात होता है, ये बात कौन करता है? ये बात चौमस्की जी करते हैं। चौमस्की का कहना क्या होता है कि हर एक व्यक्ति में लैड एक तंत्र पाया जाता है। लैड का मतलब है लैंग्वेज यानी भाषा, इक्वायर यानी अधिग्रहण, डिवाइस यानी तंत्र, यानी कि हर एक व्यक्ति में भाषा को ग्रहण करने की एक तंत्र पाया जाता है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति जन्मजात से उस तंत्र का अधिग्रहण करने लगता है। 10 मैम 30 क्वेश्चन है क्या? नहीं, 30 क्वेश्चन नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि इसमें समझाना साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन ज्यादा थे, इसलिए मैं आपको इसलिए समझाई हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन के तहत चार ऑप्शन रहते हैं, चार चार क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो पाए।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाया हुआ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, मेरी भाषा आपने समझ में आई होगी। क्लास के अंत में लिंक दे दूंगी ग्रुप में, ग्रुप की आप जुड़ जाइएगा और वहां पर फालतूबाजी बिल्कुल किसी को नहीं करना है, बाकी सब कुछ आप समझदार हैं। चॉम्स्की जी कहाँ के थे बताओ, हमको याद नहीं। चलिए ओके, तो यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे रात्रि के 8 बजे लेकर हिंदी व्याकरण की क्लास में, हिंदी व्याकरण की क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी। चलिए ओके, थैंक यू आप सभी को। रश्मि हाँ, शमशन, ममता, चलिए भाई तो आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और जो आपको एक चीज और, आप लोग मनोबल अगर लगता है कि मैम का बढ़ाना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना राय, आपको क्लास कैसी लगती है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी दे जाया करिए। और लाइक तो बनता है सभी फ्रेंड्स का, जितना हमसे हो पाता है हम देंगे, जितना आपसे हो पाता है आप दे दिया करिए। चलिए भाई, सभी को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार। चलिए भाई, थैंक यू आप सभी को, टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे नॉलेज दी हैं आप, ऐसे ही क्लास लेते रहिएगा प्लीज। ओके चलिए भाई, ओके ओके, आपके जो एग्जाम आ जाएंगे तो हम कंप्लीट सीडीपी भी आपको देंगे, है ना। कंप्लीट सीडीपी अगर मेरे साथ आपको पढ़ना होगा तो हम वो भी कोर्स लॉन्च कर देंगे। थोड़ी बहुत फीस रख देंगे, ज्यादा फीस भी नहीं रखेंगे, ताकि आप लोग उसको परचेस भी कर पाओ। हाँ, लेकिन आप लोगों कम से कम नहीं तो 100-200 बच्चों कमेंट करें, तब तो फिर वो कोर्स को लॉन्च करें। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, टेक केयर भैया भैया एवं बहनों दोनों को।